जमशेदपुर में फुटपाथी दुकानदार और जिला प्रशासन एक बार फिर से आमने सामने हैं, जहां साक्ची बाजार में फल मार्केट के समीप अस्थायी रूप से दुकान लगाकर जीवन यापन कर रहे दुकानदारों को हटाने पहुंची पुलिस को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। पुलिस का कहना है कि वह जमीन टीओपी की है और उसे कब्जे में लेना है। कई बार फुटपाथी दुकानदारों को हटने का नोटिस भेजा गया, मगर वे अपनी जिद पर अड़े हैं। टीओपी की जमीन पर घेराबंदी करनी है, इसलिए उन्हें हटाया जा रहा है। उधर अस्थायी दुकानदारों का कहना है कि पिछले 70 सालों से वे यहां दुकान लगाकर रोजी रोटी कमा रहे हैं। अक्षेस द्वारा उन्हें टोकन भी दिया गया है, बावजूद इसके कोई कमल नाम का व्यक्ति रात के अंधेरे में उस स्थल पर कब्जा करने ये कहकर आ धमका कि जेएनएसी द्वारा उसे वहां जमीन अलॉट की गई है, इसलिए उसका कब्जा करने आए हैं। अस्थायी दुकानदारों ने बताया कि इसी का वे विरोध कर रहे हैं, जबकि टीओपी पुलिस का कहना है कि जमीन टीओपी की है, टीओपी अपने कब्जे में ले रही है, यदि कोई दखलंदाजी करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हम लोगों को यहाँ से दुकान हटा दे रहा है, बोल रहा है कि कमल नाम का आदमी कि ये दुकान हम लोगों को जेनेसी अलॉट किया है, तो अलॉट किया है तो पेपर दिखाओ, पैसा का रोक दिखा रहा है हम लोगों को कि पैसा है तो हम लोग कहाँ जाएंगे गरीब आदमी। कौन कौन लगा रहा है दुकान है या कौन दुकान लगा रहा है? दुकान कमल यहाँ आके बैठाएगा बोल रहा है दुकान। अच्छा, यहाँ आके रात में गड्ढा खोद रहा है। यहाँ मेरा ससुर मेरा देवर हम लोग तो बैठते हैं दुकान लगाते हैं, यहाँ दो दुकान। कितने सालों से आप लोग दुकान लगा रहे हैं? 70 साल। कमल कौन है फिर, कहाँ से आया हो? क्या मालूम मालूम, एक बार सर हम लोग उसको लच्छा का दुकान लगाने दिए थे, वो हम लोग का दुकान का पीछे पड़ गया। जो बोर है किसी को अलॉटमेंट हुआ है, साची टीओपी का जमीन है, एकदम साची। सर किसी दूसरे लोगों के नाम से बोल रहे हैं अलॉटमेंट गड्ढा खोल के टीओपी का बाउंड्री बनवा रहे हैं वो लोग, जा पाते। न्यूज विंग के लिए जमशेदपुर से गंगाधर पांडे की रिपोर्ट। टफन XT600 HCR TMT रिबा, पहले भी बोला था अगर घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ तो आप भी दिखा सकते हैं अपनी हीरोपंती टफकॉन XT के साथ।